The first question from the set is the empty set or the null set or the void set is not denoted by the following. हाँ जी बेटा, A option है phi, B option है this, C option है मेरे पास this, and D option is this or this. Which of the following is not represented for the void set or will not represented the empty set? Anyone from you? Be fast. Jaldi jaldi. Which of the following is not represented the void set? Anji beta, Gursimar, please answer the question. Gursimar beta, unmute yourself. Yes, ma'am. Anji, out of these four options A, B, C, D, which is not representing the void set, beta? मैम मैं अभी ज्वाइन किया है. हाँ तो अभी इसमें अभी ज्वाइन होने वाली कोई बात ही नहीं बेटा. यू जस्ट लिसन इट केयरफुली कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो वाइट सेट को नहीं रिप्रेजेंट करती है बेटा. यस वाइट सेट को नहीं रिप्रेजेंट करती. हाँ जी बेटा, वेट एक सेकंड मैम. आप खुद सोचिए. डी ऑप्शन. नो इट इज नॉट डी बेटा. Basically, it is C option. Why? Because phi means कुछ नहीं, ये खाली है, है ना? इस curly brackets में भी nothing is mentioned. 100% ये भी क्या है? फिर empty set हो गया, है ना? यहाँ पर ये phi और this, ये दोनों ही void set को represent करते हैं. तो option कौन सी रहेगी? C. Reason being कि यहाँ पर curly bracket के बीच में phi है. अगर curly bracket के बीच में phi है, तो what does it represent? Means phi is treated as an element. तो अगर phi treated as an element है, means ये खाली set नहीं हुआ. तो 100% हमारा option क्या आएगा? C. Okay? Now come to next beta. Second question. मेरे पास जो है, second question is MCQ typing है. All questions from set 2, 4, 6, 8, so on is an example of A, finite set, B, that is infinite set, C, set of odd numbers, sets of odd number, next D option, set of whole number. Anyone from you? Hurry up. Out of these four options, which one satisfy this set? Haan ji beta. Okay, Lakshya beta, unmute yourself. Lakshya. Ma'am, infinite set. Yes, that is infinite set. Ya to yahan par clear cut even set ka likha hota, to I will take that. But yahan even set ka nahi likha hai, to mere paas option infinite ki reh jati hai. Reason bhi जो है यहाँ पर सो ऑन है. ओके अच्छा, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होती इनफाइनाइट सेट की, दूसरी ऑप्शन होती इवन सेट की, तो दोनों ट्रू थे. हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते थे क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ इनफाइनाइट सेट एंड दिस इज ऑल्सो इवन सेट. कई बार ऐसा होता है कि एमसीक्यू में दो आंसर्स निकलते हैं बाय चांस, तो हम दोनों में से किसी एक को भी टिक कर सकते. ओके चलिए बेटा, नेक्स्ट मेरे पास जो है थर्ड क्वेश्चन फॉर सेट्स इन द एमसीक्यू फॉर्म, दैट इज राइट द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर स्टार्टिंग विद जेड. दे हैव रिटन द क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर स्टार्टिंग विद the alphabet Z and what type of set it is. Can anybody tell me कि हमें month बताना है that is starting with Z. लक्ष्य आपकी turn हो गई है, गुरसिमर की हो गई है, next मानविया बेटा. Yes मानविया, मानविया unmute yourself बेटा.
एम्प्टी सेट. यस एम्प्टी सेट. और आप लिखो कि कैसे, सबसे पहले क्योंकि उन्होंने कहा स्टार्टिंग विद दैट जो है आपको के देयर विल बी नो एलिमेंट दैट इज ए नल सेट. और नेम भी स्पेसिफाई करना है, रीजन बीइंग क्योंकि आगे उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ सेट इट इज. गुड बेटा. हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. राइट द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. लिसन इट केयरफुली. द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन फाइव. फाइव से लेस चाहिए एंड ग्रेटर देन सेवन. विच टाइप ऑफ सेट इट इज. नेक्स्ट क्षितिज सॉरी भूमिका योर टर्न. भूमिका इट्स योर टर्न बेटा. भूमिका प्लीज टेल मी द आंसर. क्वेश्चन रिपीट कर दो. श्योर बेटा. यू हैव टू टेल मी द नेचुरल नंबर विच इज लेस देन फाइव एंड ग्रेटर देन सेवन. यू हैव टू राइट द सेट विच इज ग्रेटर देन सेवन एंड लेस देन फाइव. इज देयर एनी नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन सेवन बट लेस देन फाइव. सबसे पहले तो ये बताइए भूमिका. भूमिका आई एम आस्किंग यू इज देयर एनी एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन फाइव ग्रेटर देन सेवन बट लेस देन फाइव. क्या कोई नंबर हो सकता है? एम्प्टी सेट होगा. यस वेरी गुड. दैट इज अ नल सेट और अ एम्प्टी सेट. हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स एंड व्हाट टाइप ऑफ सेट इट इज. हाँ जी नेक्स्ट टर्न क्षितिज. राइट द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर एंड व्हाट टाइप ऑफ सेट इट इज. क्षितिज हम सिर्फ टू होगा सेट में. हाँ जी तो व्हाट टाइप ऑफ दैट सेट इज. फाइनाइट. फाइनाइट भी कह सकते हैं बट एक पर्टिकुलर हमने नेम दिया हुआ है. जब एक सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट. सिंगल हम लिख के फिर टन टी ओ एन टन. ओके सिंगलटन सेट वी कॉल इट. हम कैसे? ओके मैम. ओके बेटा तो वी हैव टू राइट लाइक दिस एंड सिंगलटन सेट. ओके बेटा. नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन. इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट टर्न इज अगेन. चलिए लक्ष्य इट्स योर टर्न अकॉर्डिंग टू माय. हाँ जी बेटा अनम्यूट योर सेल्फ लक्ष्य. हाँ जी बेटा इज मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. श्योर श्योर बेटा. Is the set of natural number less than 10 is a finite or infinite set? Ma'am, finite set. Very good. Why it is finite, Lakshya? Ma'am, because numbers will be 1 to 9. Very good. Because the number will be 1 to 9 and we are able to count, we are able to represent the elements in a set. The elements are 1, 2, 3, so on up to 9. So that's why these are finite sets. Very good, beta. Next, beta, turn. Gursimar, it's your turn back. Write the cardinal numbers of the set of letter of the word, jo hai, beta, mathematics. Mathematics. Cardinal number kya hota hai, you know? मीन्स जो है हमारे पास कार्डिनल नंबर मीन्स अगर कोई रिपीट हो रहा है उसको छोड़ दें. जैसे एम है, एम को मैं एक ही बार काउंट करूंगी. दो बार है ना, आई विल काउंट इट सिंगल टाइम. क्योंकि सेट्स में हम उसको बार बार रिपीट नहीं करते हैं. अगर मुझे सेट इसका लिखने हैं लेटर्स का तो मैं एम ही एक बार लिखूंगी, ए एक बार लिखूंगी, टी एक बार लिखूंगी, एच एक बार लिखूंगी, ई एक बार लिखूंगी, M लिख दिया, A लिख दिया, T लिख दिया, I एक बार लिखूंगी, C one time and S one time. तो according to that कितने elements हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इस एक set में कितने elements हैं?
विदाउट रेपिटेशन। मैं आपको बार बार कहती थी अगर एक सेट में हमने ए ए दो बार भी लिख दिया तो हम उसको सिंगल टाइम ही काउंट करते हैं डिबिट। ओके, तो दैट्स व्हाई जो है मेरे पास जो है यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आके एक सेट में, दैट आर एट। सो इट्स कार्डिनल नंबर इज एट। ओके बेटा, क्लियर टू यू? चलिए नेक्स्ट बेटा, इज द सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट हियर, इज द सेट represented by x belongs to R such that मेरे पास दिया हुआ है x is greater than 1 less than 2 is a finite or infinite set। Gursimar, it's your turn beta, please tell me। I'm finite। Acha, why it is finite Gursimar, give me the reason। मैम x belongs to less than 2 और x belongs to R में एक ही एलिमेंट है। एक ही एलिमेंट है, देखो आप तो नेचुरल नंबर के हिसाब से कह रहे हो और वहां पर भी मैं बताऊं 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो दैट इज रॉन्ग बेटा। वैसे भी यहां लिखा है x belongs to R, R means set of real number। आप खुद बताइए 1 और 2 के बीच में कितने सारे डेसिमल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। क्यों आपके अकॉर्डिंगली वो नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, 9 आपने ऐसे ले लिया। मेरे अकॉर्डिंगली वो 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 भी हो सकता था, किसी और के अकॉर्डिंगली वो 1.001, 1.002 भी हो सकते थे। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स लाइज बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स दैट आर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हाँ, इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है, बट रियल नंबर तो इनफाइनाइट आते हैं दो नंबर्स के बीच में। सो सच टाइप ऑफ सेट्स आर इनफाइनाइट सेट्स। ओके गुरसिमर? ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, हमें बताना है कि two sets are given to us whether they are equal or not। last time the exams mein aaya tha equal or equivalent sets, dono mein difference hota hai beta। to mere paas pehle to set diya hua hai ye 2 3, isko compare karna hai hame set b ke sath, and here it is written ki the set contains elements x such that x is a solution of equation x square plus 5x plus 6। अब बेटा सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन निकालें, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आते हैं। अगर मैं देखूं तो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो है 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करूं तो 5 आना चाहिए। ऑब्वियस 2 3 का 2x plus 3x plus 6। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं रूट्स निकालू या जीरोस निकालू तो मेरे पास जो है बेटा इक्वेशन क्या बन जाती है यहाँ पर x plus 2 and x plus 3। तो वैल्यूज आर x is equals to minus 2 and minus 3। तो दैट मीन्स सेट बी में मेरे पास जो है minus 2 and minus 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो बेटा ऑब्वियस है एलिमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। इफ यू सी the elements are not exactly the same, है ना? वहाँ पर 2 and 3 है और यहाँ पर मेरे पास क्या है -2 and -3, exactly same नहीं है तो equal नहीं है, but these are equivalent set। Equal sets नहीं है but equivalent है। Why these are equivalent set? Reason being उसमें भी 2 elements है, इसमें भी 2 elements है। Okay बेटा, clear to you? Any doubt to anyone? Okay बेटा, चलिए तो अब मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, 1-1 मार्क के क्वेश्चन के, और उसको कंटिन्यू करते हैं ताकि ये चैप्टर के एटलीस्ट आपको सारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना? आगे बेटा मेरे पास एक ट्रू एंड फॉल्स है, इसी पर बेस्ड। अब आप मुझे बताओगे इफ आई एम हैविंग टू सेट्स, suppose one set is
1, 2, 3. And other set is x, y, z, x. मैंने लिख दिया. Suppose, are these equivalent set? Anyone from you can tell me, please. 1, 2, 3. X, y, z, x. मैंने लिखा. Yes, Manvia? Yes, ma'am. They are equivalent. X is counted one time only. Yes. मैं लिखने में जितनी बार मर्जी लिख दूं, but हम जब चेक करते हैं ना, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट चेक करते हैं कि अगर वो सेम है तो बोथ द सेट्स आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज नॉट. क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं करता सेट को. सेट में हम वेल डिफाइंड, ये देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग में ये गलत लिखा गया है ना, बट वो काउंट वो थ्री टाइम्स ही होगा क्योंकि रेपिटेशन हम वो सेट्स में हम कंसिडर ही नहीं करते हैं. ओके, तो यस, बोथ द सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स. ओके, गुड मानवीय. अब नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर. जो है अब मैंने इसमें लिटिल बिट चेंज किया आपके क्वेश्चन में. ए, सपोज मेरे पास जो है वो 2, 3 है, ठीक है, और बी सेट सोल्यूशन है इक्वेशन का ये वाला. अब मैं इसकी अगर सोल्यूशन निकालूंगी तो वो 2, 3 आएगा बेटा, तो 100% दीज आर इक्वल. ओके जी, इक्वल भी है, इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि एलिमेंट्स तो दोनों में 2. ओके जी, चलिए बेटा नेक्स्ट हम क्वेश्चंस निकालते हैं. अभी तक जो मैंने किया वो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज पर बेस्ड आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चंस कराए, फाइनाइट, सिंगलटन, फिर आपको रोस्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं, इक्वल, इक्विवेलेंट, टाइप ऑफ सेट्स के फॉर्म में. अब मैं आपको ऑपरेशंस जो है सेट्स पे, जो ऑपरेशन सबसेट है ना, ऐसी चीजों पे अगर मैं देखूं कि इफ ए इज कंटेन्ड इन बी, सपोज इफ ए इज कंटेन्ड इन बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ए बिलोंग्स टू सेट ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू सेट बी. B मेरे पास जो है A belongs to A implies A belongs to B. Next, A does not belongs to A implies A belongs to B. And then C मेरे पास जो है none. Which of the following is true? For this statement, if A is contained in B. Anji, next turn. Kshitij, please tell me the answer. Kshitij, jaldi jaldi unmute ho jaya karo beta. Ma'am, repeat karna. If A is contained in B, then which of the following is true? If A contained in B, contained means kya? उसके सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, यही होता है ना. तो इफ ए इज कंटेन्ड इन बी, ऑब्वियस है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट अगर ए को बिलोंग करता है तो वो बी को भी करेगा ही करेगा बेटा. इफ एनी एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू सेट ए, इट मस्ट बिलोंग्स टू सेट बी. कंटेन्ड की डेफिनेशन तो यही होती है ना. तो इनमें से कौन सा है मेरे अकॉर्डिंगली, तो अगर मैं देखूं तो सॉरी, मैंने ए बी देखो सेम लिख दिया. आपको तो उसी टाइम कहना चाहिए कि मैम दोनों में आपने सेम लिख दिया, यहाँ पर कहीं पे एक नॉट बिलोंग टू कर. तो मेरे अकॉर्डिंगली तो बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी. कंटेंट का मतलब तो यही होता है. आप खुद सोचो, एक बाउल में एक मैंने छोटा बाउल डाला है ना, या बाउल में कटोरी रख दी. अगर मैं छोटी कटोरी में कुछ डाल रही हूँ मानो, तो ऑब्वियस है बड़ी कटोरी का वेट भी बढ़ेगा, छोटी कटोरी का तो बढ़ेगा. तो दैट मींस इफ एनीथिंग इज पुट इन सेट ए, जो छोटा है, ए कंटेन्ड इन बी का मतलब क्या, मैंने बीच में रख दिया, तो अगर ए का वेट बढ़ रहा है तो बी का अपने आप बढ़ेगा ना. तो दैट मीन्स इफ एनीथिंग बिलोंग्स टू ए, डाल दिया मैंने, बिलोंग्स मतलब डाल दिया उसी सेट में, तो ऑब्वियस है बेटा वो किसको, वो बी को भी, बी में भी जाएगा, बी का भी वेट बढ़ेगा. ओके जी, क्लियर टू यू?
क्लियर टू एवरीवन? ओके बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सबसेट्स, अब ध्यान से, ये तो बेटा फॉर्मूला ही है हमारे पास, हमने जो है सीधा ही लर्न किया हुआ है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग n elements, containing n elements is, हाँ जी ये तो सीधा fill in the blanks की फॉर्म में भी हो सकता है। You have to tell me the number of sets containing n, number of subsets containing n elements, बताइए क्या आंसर होता है? Yes लक्ष्य बेटा, 2^n, very good, yes that is 2^n। अगर मैं प्रॉपर सबसेट कहती ना कि आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रॉपर सबसेट, है ना, तो उसमें 2^(n-1) हो जाता है। प्रॉपर मतलब वो जो है उसमें वो वाला काउंट पूरे वाला नहीं करते, एक सेट डिलीट हो जाता है, एक सबसेट डिलीट हो जाता है, नॉट सेट। तो इसीलिए तब प्रॉपर में हम 2^(n-1) कंसिडर, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है, If A is any set, suppose मेरे पास जो है A कोई भी set है, and then A is contained in A, है ना, इस सिंबल का मतलब भी contained होता है, पता है इसमें ये जो है properly जो है, अगर ये मैं नहीं लगाऊ means पूरा का पूरा element नहीं, किसी हर set में कोई एक element जो है वो कोई ना कोई missing भी हो सकता, but यहाँ पर उसने कहा कि पूरा का पूरा भी आ सकता, तो उसने कहा स्टेट ट्रू और फॉल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताइए, ए इज कंटेन्ड इन बी, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो बहुत इजी है बेटा, क्या करते हो एनीवन फ्रॉम यू? यस इट इज ट्रू बेटा, रीजन बी, सपोज मेरे पास एक सेट है 1, 2, 3, है ना, ये सेट ए है, तो ऑब्वियस है ए सेट उसी में हर एक में अपने ही सेट में कंटेंट होता है कि नहीं होता? आपके अपने क्लोथ है, आपकी अपनी जैकेट है, वो आपको फिट होगी होगी 100% होगी, प्रोवाइडेड आप खुद स्टेबल, आपकी बॉडी स्टेबल, मतलब इंक्रीज ना करो, किसी और को हो या ना हो वो सेपरेट थिंग है ना, आपकी ही अपनी बॉडी है ना, कपड़े हैं तो आपके अपने कपड़े वो आपके ही रहेंगे, आपकी बॉडी को ही फिट होंगे, ये क्लोथ है ये बॉडी है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं, तो दैट्स ओके बेटा, ऑलवेज कंटेन विद इक्वल टू जो हम लेते हैं साथ में, क्लियर टू यू? नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है If given that set A that is 1, 2, 3, 4, 5 and given set B that is 2, 5, what is the relation between A and B? What is the relation between the set A and set B? कैसे लिख सकते हैं? Yes, Lakshya beta. B is subset of A. Yes, B is a subset of A. That is, B is contained in A. You can write. क्योंकि B is contained in A मतलब क्या? B के सारे element देखो 2 and 5, दोनों के दोनों किसमें हैं? A में है ना? तो we can write B is contained in A. Okay beta. Now come to next beta मेरे पास जो है. ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो मैं आपको बताने लगी हूँ एक बार रिपीट कर देते हैं। सेट ए में मेरे पास जो है एलिमेंट्स हैं डब्ल्यू एफ ओ एल, और सेट बी में वर्ड वुल्फ के जो हैं एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियस है सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे मेरे पास, दैट इज डब्ल्यू बी ओ बी एल बी F B. Now, then
इन टर्म्स ऑफ सेट हाउ कैन यू राइट द सेट इन टर्म्स ऑफ सबसेट हाउ कैन यू राइट द दीज टू सेट्स सेम वैसा ही है बट इसमें क्योंकि बिल्कुल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं वी कैन राइट आइदर ए इज कंटेन्ड इन बी विद इक्वल टू साइन बिकॉज सारे एलिमेंट सेम है और बी इज कंटेन्ड इन ए दोनों में दोनों ही ट्रू हैं और इन पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ क्योंकि उन्होंने वर्ड सबसेट कहा था तो मुझे सबसेट लेके आना पड़ा बट अगर आप स्मार्ट बच्चे हो आप पेपर में प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना चाहते हो यू हैव टू राइट लाइक दिस आंसर बट इन पर्टिकुलर इन दिस केस क्योंकि ये भी ट्रू है मींस ए इज इक्वल टू बी मींस बोथ सेट्स आर इक्वल दिस इज अ स्मार्ट स्टूडेंट प्रेजेंटेशन ओके बेटा इज इट क्लियर टू एवरीवन एनी डाउट अप टू दिस लेवल बेटा एनी डाउट एनीथिंग यू वांट टू आस्क ओके नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन मेरे पास ओके next question is write all the subset of a set subset likhne to aapko aate hai na ki kaise likhte hain suppose mere paas ek element set hai 1 2 3 I want to write subset of 1 2 3 how to write sabse pehle start karte hain phi se phi jo hai uska ek jo hai comma next single element 1 2 3 after then two elements 1 2 2 3 3 1 3 likh lo ya 3 1 likh lo after then 1 2 or 3 yahan par okay to ab beta hamare paas jo hai kya reh gaya aur to koi nahi acha check karne ke liye ki whether we have write all the sets or not एलिमेंट्स कितने 3 2 की पावर 3 कितना बनता है 8 चेक करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट मींस यप तो एक चीज याद रखना कि अगर आपको सबसेट कहा गया है तो आपको सिंगल ऐसे कॉमास में लिखना लेकिन अगर पावर सेट कहा जाता ना राइट द पावर सेट ऑफ ए तो इसको एक ही ब्रैकेट में करना बिकॉज पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ओके तो देन यू हैव टू राइट हियर इफ दिस सेट इज ए then this is P of okay any doubt now any doubt anything you want to ask okay then all the best for exams theek hai acha acha karna beta koi problem hogi to you can send me the message also okay